एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आप लोग समर वेकेशन का एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखना क्योंकि इस समय वायरल बहुत फैला हुआ है। तो हर चीज़ को बड़ी सेफ्टी से ध्यान रखते हुए अपनी समर वेकेशन को एंजॉय करना, साथ साथ अपनी स्टडी को भी प्रॉपर वे में लेके चलनी है आपको, ठीक है? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, हमें जो आता है हम वो भी उसे भूल जाते हैं। इसलिए हमें डेली कुछ ना कुछ समय जो है अपनी स्टडी को भी देना है ताकि हम जो है प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को साथ साथ लेकर चल सकें। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज मैं आपको जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट सिखाऊंगी, जो कि बेसिक एप्लीकेशंस हैं जिनकी नीड हमें लाइफ टाइम रहती है, चाहे हम जॉब पर चले जाएं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हैं या कहीं पर भी है, कहीं जॉब भी करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो हमें इन बेसिक एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिसका फॉर्मेट मैं आज आपको सिखाऊंगी। और एक ही एप्लीकेशन से हम कई तरीके की एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्मेट को लर्न कर लिया तो आप बेसिक एप्लीकेशंस को बड़े ही सफलतापूर्वक लिख पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आकर्षक जरूरी है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ हम इसे सीख पाएंगे, हम सीख लेंगे। ये मन में अगर हम धारण कर लेंगे तो हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं आएगी। क्लियर बच्चों? तो चलो बच्चों आज मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट सिखाऊंगी जिसमें कि आपको आसानी से एप्लीकेशन लिख सकेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द रिसेप्शन, यानी कि हम अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, ठीक है, फिर उनका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट क्या है किसके बारे में हम लिखेंगे, फिर सॉलिटिशंस यानी कि हम किसको लिखने जा रहे हैं, फिर बॉडी ऑफ द लेटर कंटेंट उसके अंदर लिखेंगे एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, फिर नीचे आप योर ऑबिटेंटली या सिंसरली लिखेंगे, फिर नेम और सिग्नेचर करेंगे। इस फॉर्मेट से बच्चों को हम एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे कि फर्स्टली मैंने लिखा द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम सिल्वर ओक, फिर एड्रेस पीना, फिर डेट मेंशन करेंगे जिस दिन हमें एप्लीकेशन लिखनी है, फिर सब्जेक्ट मान लो मैं सिक लीव की लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? सिक लीव यानी कि बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। तो रिस्पेक्टेड क्योंकि हमारे मैनेजमेंट कौन है, प्रिंसिपल सर जितेंद्र सर हैं तो हम सर लिखेंगे, अगर कहीं मैम होती है तो मैम लिखते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर आई एम, अपना नाम बताएंगे आप, आई एम डैश द स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो क्लास लिखेंगे। वांट्स टू स्टेट यू दैट, ये बताना मैं आपको चाहती हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कि कल रात से मुझको बुखार हो रहा है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है बेड रेस्ट की। बच्चों जहाँ पर मैंने ये लाइन की है इसका मतलब है, इसकी प्लेस में अगर हम कोई एप्लीकेशन दूसरी लिखेंगे तो इसकी प्लेस में हमें वो चीज़ फिल करनी है, बाकी एज इट इज़ हमें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ लिख देना है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर टू डेज, इसलिए मैं दो दिन जो है स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, मुझे दो दिन की छुट्टी प्रदान करें। डेट डाल देंगे जिस डेट से आपको, जिस डेट तक आपको लेनी है। आई एम हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगी। योर्स ओबेडेंटली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने फीवर को फील किया है उसकी जगह आप लो, आपको पेट में दर्द है, आपको सिर में दर्द है, आपको कुछ और दिक्कत है, तो आप इसकी जगह उसे फिल कर बाकी सेम एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये फॉर्मेट हमारी कई चीज़ों में काम आएगा। फिर एप्लीकेशन है आप आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, आप मैरिज अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, शादी पे चले जाते हैं किसी की, तो आप उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे? ऊपर का बिल्कुल फॉर्मेट हमारा सेम टू सेम रहेगा, सब्जेक्ट में बस हम फिल कर देंगे कि फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, या फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, या फॉर अटेंडिंग ब्रदर्स मैरिज एटसेट्रा, ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू स्टेट दैट देयर इज़ ए मैरिज इन माई फैमिली, कि बहुत ही आदरपूर्वक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में शादी है, आई हैव टू अटेंड ए मैरिज विद माई फैमिली, और मैं इस मैरिज को अपने परिवार के साथ अटेंड करना चाहती हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दिल्ली, जो कि हो रही है दिल्ली में। यहाँ पर मैंने दिल्ली लिखा है, आपको जिस शहर में जाना है आप उस शहर का नाम लिख सकते हैं,
उस प्लेस का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर शादी होगी, ठीक है। और फिर लिखेंगे मैरिज कौन सी डेट में है वो बतानी है आपको, ठीक है। इसलिए आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, डेट डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे बिल्कुल वही आई शैल बी रियली हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडली एक्ट। क्लियर बच्चों, समझ में आया कैसे करना है? इस तरह बच्चों मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको, अर्जेंट हाफ डे लीव का या फुल पे कंसेशंस का, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन में जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है उस अंडरलाइन की जगह जो भी सब्जेक्टिव आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो सब्जेक्टिव आप सब्जेक्ट उसके अंदर डालेंगे उस अंडरलाइन वर्ड्स की प्लेस पर, और आप बाकी एप्लीकेशन एज इट इज़ लिख देंगे। फिर फुल फी कंसेशन यानी कि कोई फीस नहीं जमा करा सकता, उसे परेशानी है और वो बच्चा बहुत होशियार है, वो बच्चा पढ़ना चाहता है आगे, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन देता है संस्था में, तो संस्था उस पर गौर करती है और उसे फीस माफ़ी के लिए अप्लाई करता है बच्चा, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम भाई ऊपर का फॉर्मेट, सब्जेक्ट क्या है हमारी फुल फी कंसेशन है, रेस्पेक्टेड सर है, फिर पूरा आपको वही लिखना है आई एम डैश द स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश वांट्स टू स्टेट यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? दैट माई फादर इज़ ए प्राइवेट जॉब, माई फादर की प्राइवेट जॉब है, या वो फार्मर है या वो स्मॉल शिप कीपर है, हिज इनकम इज़ वेरी लो, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, ही इज़ एबल टू पे माई फीस, और वो मेरी फीस देने में यहाँ समर्थ है, आई गॉट फर्स्ट पोजिशन इन लास्ट ईयर, मैंने फर्स्ट पोजिशन लास्ट ईयर प्राप्त की थी, आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो सर आप क्या करें मेरी फ़ीस माफ़ कर सकें ताकि मैं जो आगे पढ़ जाऊँ। इस तरह बच्चों ये मैंने आपको फॉर्मेट बताए हैं एप्लीकेशंस के, जो आपको बड़े दिमाग बड़े ध्यान से अपने माइंड में फिट करने हैं, और एक सिंपल वे में सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको इसमें बताई है जो आप अपने आप से लिख सकते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन जो है लिखनी है। इसी फॉर्मेट से कितनी तरह की एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 फॉर्मेट मैंने आपको बताए और 3 से हम 10-12 एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं, जो आपको अपनी कॉपी में हर टाइप की एप्लीकेशन इसके ऊपर जितनी बन सकती है आपको लिखनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चों एक कदम सफलता की ओर आप हमारे साथ चलें, आपके सहयोग के बिना हमारा जो ये कोशिश है कामयाब नहीं होगी, तो आपका सहयोग हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे ध्यान से समझें पढ़ें और करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।